हमारे टाइम में चलती हो पर्ची लेकिन खर्ची हमारे टाइम में नहीं थी पहली बार मानी पर्ची चलती थी नहीं पर्ची तो चलती बात है अपना आदमी को तो नौकरी लाना अपना आदमी को तो नौकरी लाना पड़ा गया बात है यार जमा पर्ची पर्ची तो कह दिया जेपी साहब यार लिख के दे गया मैं कुछ और भी कहूँ पर्ची उड्डा ने थोड़ी चलाओ था मेरे पास हुई थी पर्ची यार लानी है <laughs> संशोधन कर रहे हैं थे पर्ची मेरे पास आती थी साहब के पास में नहीं आती थी ला, आएंगे पर्ची तो अरे देंगे के बुरी बात है बुरी बुरी बात बुरी बात बुरी बात बुरी इसमें पर्ची देंगे आगे भी देंगे अरे आगे तो सिस्टम सारा बदल में कितनी संभावना लगती है ये गठबंधन में आ जाए तो कुछ मजबूत होता है गठबंधन मौका चुप फिर गाँव पताल इनकी ही जमीन खिसक चुकी है कौन इन्हें वोट देगा कुछ नहीं है कुछ नहीं है नमस्कार एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है मैं सरवेश कुकर हिसार के रेस्ट हाउस में हूँ और मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के बड़े नेता जयप्रकाश हैं मुद्दा राम का भी है गांव का भी है शहर का भी सारी चीजें हैं लेकिन राम पे पहले बात कर लेंगे जयप्रकाश जी क्या परहेज है आपको मतलब आपको निमंत्रण मिला आपकी पार्टी को और कहते भी राम मंदिर के प्रोग्राम में हम नहीं जाएंगे मतलब इतनी नफरत क्यों है राम से नहीं नहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं राम तो हमारा है वो तो आज मंदिर बनवा रहे हैं तो राम है हमारा लेकिन भाई उस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे वहां नहीं जाएंगे तारीख वाले हम बहिष्कार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमारे देवता को हमारे अवतार को हमारे राम को कैप्चर कर लिया जब तो हम एक तो बार कैप्चर क्यों कर लिया वो तो कहते भी उनके पास मौका था कांग्रेस कर देती कांग्रेस बनवा देती इसको इतने साल राज किया है आपने तो आप तो बीजेपी ने बनवा दिया कहा बनवा दिया बीजेपी ने वो तो बहुत टाइम लगेगा देश के चार शंकराचार्य चारों खिलाफ है कि आधा अधूरा मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए बीजेपी के गेम में फंस तो नहीं गई कांग्रेस नहीं बीजेपी फंस गई अपनी चाल में तो होता है ना शतरंज में होता है चेक एंड मेट आपके तो सामने ऐसा सवाल रख दिया अभी हाँ भरोगे तो फंसोगे ना करोगे तो ना, फंसोगे ना, ना, फंसते नहीं हम हम मंदिर जाएंगे हमारे नेता है खड़गे साहब उन्होंने कहा है कि हम अपनी मर्जी से जाएंगे राम में आस्था है आप ये कह रहे हो जाए तो गे मंदिर में जाएंगे लेकिन जिस दिन जी करेगा उस दिन जाएंगे हाँ इनके निमंत्रण पे नहीं जाना चाहिए पाप लगेगा बीजेपी बात कर लेते सर मतलब सीटों का बंटवारा आपको क्या लगता है की कब तक हो जाएगा या होगा ही नहीं इंडिया गठबंधन का हो गया काफी हो गया रात तक मीटिंग चली थी दो तीन दिन में हो जाएगा हरियाणा का बता दो फिर हरियाणा का तो अभी टेकअप नहीं ना

राजनीति में बहुत सी चीज हाइपोथेटिकली होती है ना ये ये ज्यादा है हाइपोथेटिकली क्योंकि इसमें दो शंकाए हैं एक तो ये डर रहता है लोगों को कि भाई आईएनएलडी बीजेपी के लिए काम करती है अपने आदमपुर का इलेक्शन देखा होगा उनका उम्मीदवार ही कल पार्टी छोड़ गया <laughs> तो मैंने चुनाव में भी कहा था कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और वही सिद्ध साबित हो सच साबित हुआ तो इसलिए पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी कौन आएगा कौन जाएगा लेकिन ये मैं भी कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी स्वयं में है इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपको तजुर्बा बहुत है आप केंद्र में मंत्री रह लिए आपका बड़ा कद है तो आपको लगता है कोई एक दो फीसदी फायदा हो सकता है ये एल अगर इंडिया में आ जाए तो देखो नुकसान तो किसी का होता ही नहीं नुकसान किसी का नहीं होता लेकिन वो गठबंधन का फैसला तो दिल्ली वालों ने करना है और न्यू भी तो देखना पड़ेगा रात अलग अलग से अलग गठबंधन कौन करना गया कि भाई ये जो पार्टी है स्टेबल है कि नहीं है क्योंकि दो तीन बार ए, इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने जनता के साथ धोखा कर लिया जैसे इलाहाबाद बाई इलेक्शन में इलाहाबाद से याद आ गया मेरे को उचाना में उन्होंने कह दिया कि सीएम का कैंडिडेट लड़ेगा मतलब इस तरह की बयानबाजिया ऐसी आती है मतलब उसको कैसे देखते हैं ये तो बेचारे मौका चुप कर फलानी गाँव आड़ पताड़ इनकी ही जमीन खिसक चुकी है तो ये वो ड्रामा करें कौन चीफ मिनिस्टर के ये मांगे कौन इन्हें वोट देगा कुछ नहीं है इस में जो है लोकसभा में बीजेपी की तरफ से दो नाम आ रहे हैं आजकल कैप्टन अभिमन्यू और कुलदीप बिश्नोई दोनों में से ज्यादा मजबूत टक्कर किसको मिलती है आपको मनने क्योंकि तो बीजेपी बहुत कमजोर लागे कोई आ जाओ लोगों का मन बन चुका है कि अब की बार उम्मीदवार रहने बीजेपी जे गठबंधन को रहना इनकी जो खामियां हैं इनकी जो जिस तरीके से प्रदेश में इनको बेरोजगारी भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था तो इन चीज़ों को लेकर के बेरोज जो लड़ाई लड़ी है उसको एक बार जयप्रकाश जी कह देते हैं कितना भी अलग अलग ताड़ियाँ पीटते हैं हुड्डा साहब की अलग ढोलकी बजती है उधर सैलजा की अलग बजती है सत्रह तारीख को भी एक जनसभा हो रही है सैलजा की है ना इस तरह से उनकी यात्रा भी निकल रही है तो वो अलग से चल रहे हैं वो अलग से चल रहे हैं मतलब खुद का कैडर बढ़ा रहे हैं पार्टी का बढ़ रहा है ईमानदारी से बताना पार्टी का

सत्रह को तुम्हें हरियाणा में ही नहीं हूँ मैं ये डाक आपने लंबी मार दी फिर सत्रह को नहीं मैंने नहीं, नहीं मारी मैं ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम है मैं सोलह तारीख को बाहर जाऊँगा क्योंकि पंद्रह तारीख को हम जगह जगह ये अपने हर घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस का कार्यक्रम शुरू करवा रहा हूँ और कल रहे कहीं पैदल यात्राएं चल रही है यात्राएं चल रही है तो इसमें एक तो यार ये तुम देखो सुरवेश बाबू या कहना छोड़ दो कि मारी कोई लड़ाई नहीं है सारे एक हैं अगर किसी को न्यू को कंदा कोई सुनाई दे दे कि भाई हम इस यात्रा के खिलाफ है तुमने बता दी या तो करे वो अपना काम करे उसमें तो पार्टी की नाम करेंगे ना फैसला सिर मत थे पंचायत का फैसला वहीं से निकलेगा नहीं यार तो एक भाएं भाएं हो है ये बीजेपी के लग रही है जो पन्ना प्रमुख की बात करो थे आपने देखा दिन का इनका अधिवेशन चलिया और वसुंधरा राजे ने बहिष्कार कर दिया आपने ये देखा तो चलो पन्ने पन्ने हो गए अपने तो जिले वाले नहीं है नहीं अपना सारा कुछ है सॉरी ताकत आप देखते रहो खेल दस एक दिन में आप सारा देखो ये कहोगे कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी

अगर मैं हरियाणा में हुआ तो सौ परसेंट जाऊंगा मैं बन बाहर जाना है यार ये तो देखो उन्होंने प्रोग्राम बाद का है मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी है पंद्रह तारीख तक का है यहाँ प्रोग्राम मैं पंद्रह को शाम को बाहर चले जाऊंगा तो अब जब यहाँ होंगे कहीं रस्ते में यात्रा मिलेगी तो जरूर हम चले जाएंगे उसमें क्या फर्क पड़ता है इसमें बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तो रिकॉर्ड तोड़ेगी पिछली बार जो सीटें आई थी उससे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ेगी मौसम बदल गया हवा बदल गई अभी बीजेपी ने न्यू कह दी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ईब इब इबके जुगर चूहे कैप्टन जब जहाज डूबता है ना तो कैप्टन ये कहता है कि भाज लो जहाज का जो चला चालक है मुख्य चालक के भाई जहाज डूबा है बीजेपी का जहाज डूबा लाए गए इनके नहीं बचता कोई पाँच छह तो इनकी आ गई थी चालीस लोकसभा में इब के इनकी आओगे बड़ी मुश्किल से दस अरे यार यूँ देखना एक बात सरू इसी इस बात को मानोगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगह टो रहा है भाई कहाँ से लड़ू कहाँ से लड़ूँ मुख्यमंत्री जगह रहा है कहाँ से लड़ूँ अब तक तो, तो इनका कोई फैसला ही नहीं है हर कांग्रेस पार्टी जगह जगह लड़ रही है तो इसमें क्या है डिप्टी सी तो कहते हैं पूरा हरियाणा है हमारा हम कहीं से भी लड़ ले नहीं वो तो लड़ लो ये तो बात सही है ये किस पे कहां पाबंदी है भाई कौन यहाँ से नहीं लड़ सकता कौन वहाँ से लड़ता है अरे वो तो बोड़े लड़ो, मैं, मैं उठता लड़ूंगा मैं उठा लड़ूंगा ये बीजेपी वाले कह रहे कि तभी उड्डा साहब के पास में ना सौ दो सौ ऐसी गाड़ियां हैं फिक्स है फिक्स आदमी है सब जगह रैली में वो जाते हैं जी चेहरे दिखा देंगे हम तो उनके बैठे होते हैं एक जगह पे एक काम कर लो सरसा की रैली और इशार की रैली दोनों सीआईडी ने फोटो खींच रखी होंगी अगर एक परसेंट आदमियों के भी चेहरे मिलते हैं देखो स्टेज वाले तो मिल जाएंगे पब्लिक के एक पॉइंट एक भी परसेंट तो अगर चेहरे एक हों तो जो बीजेपी वाले कहेंगे मैं उनसे माफी मांगूंगा नहीं बीजेपी के लोगों ने माफी मांगनी चाहिए बहुत ज्यादा लिया है झूठ बोलने का समय बीजेपी की असली सामने आएगी अरे कहाँ है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पंद्रह पंद्रह लाख रुपये आगे क्या आपके खाते में जनधन योजना कहाँ है किसान के लिए अब जब तो आप तो किसानों के बड़े लड़ाई लड़वाते हो और जाते हो लोगों के बीच में आपने इस आंदोलन के दौरान मामला आपका उनको खूब उठाया तो किसान बेचारे किस तरीके से परेशान थे होगी उनकी आमदन दो हज़ार बाईस आ रही है डबल दो करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया अरे इनकी गारंटी झूठा सौदा सारा बाहर लिख गया है मुख्यमंत्री जी ने आज बयान दिया है साठ हजार लोगों को अगले महीने नौकरी देंगे अगले महीनों में अरे भाई क्यों दोगे अगले महीनों में और वो भी कच्ची कौशल रोजगार योजना कौशल रोजगार निगम ने तो नाश कर दिया जो एस सी बी पर्ची खर्ची पर्ची खर्ची बंद कर दिया आपके टाइम में तो पर्ची भी चलती थी खर्ची भी चलती थी हमारे टाइम में चल दी हो पर्ची लेकिन खर्ची हमारे टाइम में नहीं थी अगर कोई खर्ची की बात करता है मनोहर लाल जी को मेरी तो खुली आपने पहली बार मानी पर्ची चलती थी नहीं पर्ची तो चल दूंगी यार इसमें बुरी बात अपना आदमी को तो नौकरी लाना पड़ा गया बात है यार जमा अरे इनने जमा बेड़ा ग्रह कर दिया यार हमने सिफारिश तो नहीं करी पर्ची पर्ची तो नहीं कह दिया भाई जे पी साहब यार लिख के दे गया मैं यार को आप देखो नाश तो ही भी करे कल का जो फैसला आप इसको अच्छा मानते हो कि जुडिशियल ऑफिसर्स के और ये जो एस के दूसरे अधिकारियों में आ, अप, वो अपना जो डोमसाइल है वो बंद कर दिया क्यों कर दिया भाई आप दूसरे प्रदेश में जाकर के नौकरी नहीं ले सकते तो दूसरे हमारे युवा कहाँ जाएंगे हरियाणा प्रदेश में छूट कर दी ये जो बीजेपी सरकार है बीजेपी जेजेपी नौजवानों के साथ बड़ी ठगीर बेईमान कर बेईमानी कर रही है मैं नौजवानों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा के दोनों का जम करके विरोध करो वरना सत्यानाश कर देंगे प्रदेश का शुक्रिया बात करने के लिए जयप्रकाश जी थे पूर्व मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता इन्होंने उन्होंने ये स्वीकार किया कि भाई हुड्डा राज में पर्ची तो चलती थी खर्ची नहीं थी और बीजेपी ने जो ये फरमान लागू किया है जिसमें डोमिसाइल की जरूरत नहीं है इससे युवाओं को नुकसान होगा हरियाणा के जो युवा हैं उनको बहुत भारी नुकसान होने की संभावना है वीडियो पे शेयर करें खुल के कमेंट भी करें कुछ और भी करें पर्ची ने थोड़ी चला होता मेरे पास थी पर्ची यार तो सर्वेश लानी है

नहीं असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्रेटरी था वो, वो तो ये कहते हैं हमने पकड़े है, तो हैं आप तो पकड़ते नहीं रहे पकड़वाए हैं लोगों ने इन्हें थोड़े पकड़े हैं अच्छा ये एस एस सी का चेयरमैन की जो <laughs> कन्वर्सेशन पकड़ी थी अभी पकड़वाई थी न्यू बताओ चेयरमैन को तो छोड़ दिया जिसने न्यू कहा भाई मेरा बत्तीस बहन ला दे तीस लाख रुपये ना ले हुए बीस लाख दे दूंगा उसको उस पर पर्चा दर्ज कर दिया एस एस सी के कलर गिरफ्तार कर लिए शुक्रिया बात करने के लिए मुद्दा गर्म है खुल के कमेंट करें और पर्ची पे खास तौर पे कमेंट करें वीडियो को शेयर जरूर करें और आप देखते रहने एक मिनट पहुंचे मार लोगों ने